गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मेरा नाम बबलू कुमार है। मैं बिहार से आया हूँ। पिछले मंथ मैंने हेयर ट्रांसप्लांट कराया था, 5500 बाल लगा था, जिसमें कि मेरा आज फर्स्ट PRP है। मेरा देख सकते हैं मेरा कैसा बाल है अभी, और बैक साइड से मेरा बाल लिया गया था, ऐसा है। ये मेरा फर्स्ट PRP है। जैसा कि हमने सोच रहा था कि कुछ ऐसा नहीं होगा, लगभग हमने सोच रहा था कि बाल आएंगे कि नहीं आएंगे, ऐसे करके हमने सोच रहा था। लेकिन अभी फर्स्ट PRP है तो सेटिंग फेस चल रहा है, तो मेरा अभी धीरे धीरे बाल जा रहा है, आफ्टर दैट हमें बाल मिलेगा फिर से। फ्रेंड, जैसा कि हमने एक्सपेक्टेशन था मेरा कि बाल मेरा कुछ मेरे मामा जी हैं उसकी तरह हो गया है। पिछले 2-3 साल से हमें ऐसा सेडिंग हो रहा था, तो इसके बाद हमने ट्रांसप्लांट के लिए सोचा और ट्रांसप्लांट कराया। फ्रेंड, जब हम ग्रेजुएशन सेकंड ईयर में था तो हमें बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा था। हमने धीरे धीरे बहुत सारे ऑयल ट्राई किया, लेकिन कभी कुछ भी नहीं। जब ऑयल ट्राई करने से सिर्फ कुछ दिन के लिए रुकता था, बाकी सभी फिर वैसा ही हो जाता था। फिर हमने ऐसा ही हेयर ट्रांसप्लांट के लिए सोचा। फ्रेंड, जैसा कि हमको पहले लगता था, जैसे कि कभी हम इंटरव्यू जॉब चेंज के लिए सोचते थे, तो पहले इंटरव्यू में जाने से हमें एज पूछता था, आपका एज क्या है। हमने एज बताता था तो वो हमसे हंसती थी कि आपका एज ये नहीं है। लेकिन सेकेंड टाइम हमको लगता है कि आई होप हमने 2-3 मंथ हमने जाएंगे फिर उसी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए, देखेंगे कैसा होता है। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि यदि आपका बाल नहीं है तो आपके ढेर सारे कॉन्फिडेंस कम हो जाएंगे। जैसा कि कहीं जॉब के लिए जाते हैं, या फिर आपका मैरिज की तरह या कुछ भी हो, या फिर कहीं फ्रेंड के साथ पार्टिसिपेट करते हैं, या फिर क्रिकेट खेलते हैं, या कुछ भी करते हैं, तो यदि बाल नहीं रहने से आप कोई ना कोई बुरा नज़र से ही देखता है कि ओवर एज है, या फिर हम लोग के साथ मैच नहीं कर रहा है, इस टाइप के नज़रिया से देखता है। फिर हमने लास्टली हमने BEd कर रहा है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से, वहाँ मेरा फ्रेंड है, एक मुस्लिम फ्रेंड है, उन्होंने सजेस्ट किया। उन्होंने 3-4 साल पहले यहीं ट्रांसप्लांट कराया था, उसी की वजह से मैंने यहाँ आया। फ्रेंड, हमने QHD को इसलिए चूज किया, मैंने मेरा फ्रेंड था, उन्होंने अच्छा उसका ग्रोथ किया, इसलिए हमने चूज किया QHD। नहीं तो ऑल सभी बहुत जगह हमने ट्राई किया फ़ोन के द्वारा, और उसमें बताता था कि ऐसे ऐसे, लेकिन हमें बिलीव नहीं होता था। मेरा फ्रेंड यहाँ किया था, हमने इसलिए QHD को। फ्रेंड, हमने जब फर्स्ट टाइम आया था तो यहाँ पे हमको लग रहा था कि बहुत कुछ पेन होगा, या फिर कैसे सर्जरी करेंगे, हमें बहुत चीज़ दिक्कत हो रहा था। लेकिन फर्स्ट डे मेरा सर्जरी होने के बाद दूसरा दिन हमको कुछ भी फील नहीं हुआ, बहुत अच्छा लगा। यहाँ का स्टाफ एकदम कॉरपोरेटिव था, बहुत अच्छा था। फ्रेंड, जब हमने OT में गया था उस टाइम बहुत अच्छा माहौल था, वहाँ के सभी स्टाफ बहुत कॉरपोरेटिव थे। बीच में हमें रेस्ट दिया जाता था, बीच बीच में हमें सीनियर डॉक्टर आकर के हमसे हालचाल पूछते थे, तो बहुत सारे कॉरपोरेटिव यहाँ का माहौल था। सर्जरी के बाद कुछ पेन नहीं था, 24 आवर में आपके जहाँ से बाल निकाले गए वो क्लीन करके फिर उस कुछ दवाई देते हैं, उसको यूज कीजिए, कुछ भी नहीं होता। 1 वीक में मेरा कंप्लीट ठीक हो गया था। दोस्तों, मेरा बाल जो है 5500 लगा, और मेरा QHT यानी कि QHT टेक्निक से लगा, क्योंकि वो एट ए टाइम निकालते हैं और एट ए टाइम लगाते हैं, इसलिए हमने उसको चुना था। फ्रेंड, हमको 24 एवरीडे फ़ोन आता था, एवरीडे अपडेट करना पड़ता था। फ्रेंड, आफ्टर सर्जरी हमें एक NSF स्प्रे दिया गया था, उसको एवरी आवर हमने स्प्रे करता था, जब तक कि हमने फर्स्ट हेड वॉश के बाद भी कुछ दिन तक किया। उसके बाद से फिर हमने कोकोनट ऑयल नाइट में लगाता था, और डे में शैम्पू से उसको वॉश करता था। पहले झाग से 1 वीक अप्रोक्स किया था झाग से, उसके बाद हमने नॉर्मल। ओके फ्रेंड, देखते हैं, हमने आप आगे देखते हैं कैसा बाल आता है, उसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट PRP में। थैंक यू QHT।
हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।